इस वीडियो में दी गई जानकारी 26 सितंबर 2021 को रिकॉर्ड की जा रही है, तो आप जब भी हिमाचल आ रहे हैं अपनी लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस चेक करके ही आइएगा। ट्रैवल गाइडलाइंस की जो वेबसाइट है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। वेलकम टू द शेड दैट कलर, मेरा नाम है गगन। दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट द लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस फॉर टूरिस्ट प्लानिंग टू विजिट हिमाचल प्रदेश। नंबर 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फॉर टूरिस्ट टू एंटर हिमाचल प्रदेश। आप विजिट कर सकते हैं covidregistration.hp.gov.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से आके देख सकते हैं। अगर आपको कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं तो आपको उनकी वैक्सीनेशन रिपोर्ट लेकर आनी होगी टू एंटर हिमाचल प्रदेश। और अगर आपको दोनों डोजेज नहीं लगी है तो आपको RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी जो 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। या तो RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट भी एक्सेप्टेबल है और वो 24 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए ये एग्जेम्प्टेड है, उन्हें रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट कंडीशन उनके साथ आप या कोई गार्डियन पेरेंट जो भी उनके साथ ट्रैवल कर रहा है उनकी रिपोर्ट्स होनी कंपलसरी है। अगला पॉइंट, आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आप किसी टेंपल्स को विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे नो मास्क नो दर्शन पॉलिसी है, सो ऑलवेज कीप ऑन योर मास्क। अगर आप फ्रॉडुलेंट रिपोर्ट लेकर आते हैं और दिखाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको पीनलाइज भी किया जाएगा। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और हमेशा मास्क लगा के रखेंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो आप हिमाचल को बहुत आराम से विजिट कर पाएंगे। ये सब बातों का ध्यान रखिए, ना तो सिर्फ आपका ट्रैवल जर्नीज और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस सेफ होंगे, आप कोविड से भी बचेंगे, खुद भी और दूसरों को भी बचाएंगे। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल फॉर वॉचिंग मोर ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। दिस इज मी गगन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस शेड दैट कलर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई और डाउट हो तो, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।